तेज व धूल भरी हवाओं के बीच खड़ी फसलों में आग लगने की घटना पर प्रभावी रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भूसा बनाने वाली मशीनों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि भूसा बनाने वाली मशीनों पर 15 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। फसलों की कटाई को देखने के बाद जिला प्रशासन तय करेगा कि इस रोक को आगे बढ़ाना है या नहीं। अभी गेहूं की फसल लगभग सभी खेतों में पक के तैयार है। ऐसी स्थिति में या कई जगहों से संज्ञान में आया कि भूसा बनाने वाली मशीनों से निकलने वाली चिंगारी के कारण आसपास के खेतों में आग लग जाती है, जिससे खड़ी फसल जल के नष्ट हो जाती है। इस वजह से 15 अप्रैल तक स्ट्रा रीपर मशीन पर रोक लगाई गई है, ताकि गेहूं की फसल में आग लगने की घटना को रोका जा सके। आगे 15 अप्रैल के बाद हम लोग इस पर पुनः विचार करेंगे कि आगे उस रोक को बढ़ाना है कि नहीं, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी अनिवार्य है। इसके दृष्टिगत अभी गेहूँ की फसल को बचाने के लिए रोक लगाई गई है। सर, किसानों से क्या अपील करना चाहिए? किसानों से मेरी अपील यही है कि कोई भी ऐसा कृत्य खेत के आसपास जैसे बीड़ी पी के, सिगरेट पी के फेंकना या कहीं आग जलाना, इस तरह की चीज़ें ना करें। और यदि किसी के खेत में कोई बिजली का पोल या बिजली का ट्रांसफार्मर इत्यादि कुछ लगा है तो उसके आसपास साफ़ सफाई रखें, और वहाँ पे अगर कोई फसल है तो उस फसल को वहाँ पे प्रायोरिटी पे काट लें, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह की कारण जो चिंगारी निकलती है उससे भी खेतों में आग लग जाती है। तो जिससे इस